प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की बुक के 14वें पाठ को पढ़ेंगे। यह कक्षा 5 की है। तो अब तक हमने 13 पाठ कर लिए हैं, आज हम 14वां पाठ करेंगे, स्वर्ण नगरी की सैर। तो आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? स्वर्ण नगरी में। आपको मालूम है स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नहीं? तो कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं ना घूमने, तो स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। तो इसमें हमें राजस्थान के शहर जैसलमेर के बारे में बताया गया है कि वहां पर क्या-क्या है। तो जब हम अंदर पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह क्यों प्रसिद्ध है। तो शुरू करते हैं पाठ। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। तो सजग किसे कहते हैं? चौकस को, प्रहरी पहरेदार। तो जैसलमेर भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसकी रखवाली करता है, पहरेदारी करता है। इसे स्वर्ण नगरी, सोने का शहर, हेमनगर, भव किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। तो दुर्गम का अर्थ होता है मुश्किल। रेतीले धोरे, रेत के टीले। तो रेत के टीलों ने जीवन को मुश्किल बना रखा है। जैसलमेर में क्या है? रेत ही रेत है। तो रेत रेत के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। बस के पीछे भी देखो ना, ये रेत के टीले हैं। जिस तरह आप पत्थर के पहाड़ होते हैं, वैसे रेत के पहाड़ भी होते हैं। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। तो यह एक मुहावरा है, दांतों तले अंगुली, यानी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती हैं, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। इसका मतलब है कि इस शहर जैसा विश्व में और कोई शहर नहीं है। इसकी सुंदरता इतनी बहुत ज्यादा है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया, फैसला किया। तो आप भी 5वीं क्लास में है ना, तो हम भी चलते हैं उन बच्चों के साथ घूमने। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी आदि हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग। दुर्ग का अर्थ होता है किला और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। जो पत्थर थे वो सूरज की किरणों से सोने के जैसे चमक रहे थे। तो जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय किया। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया, बनवाया था। तो बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है ना, जैसलमेर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस शहर का नाम वहां के राजा, जिन्होंने यहाँ पर किला बनवाया था ना, उनके नाम पर ही रखा हुआ है। तो वहां के जो राजा थे उसका नाम क्या था? जैसल था ना, तो इसी नाम पर जैसलमेर रखा गया था। हम प्रथम पोल, पोल का अर्थ होता है बड़ा दरवाजा। तो अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। तो ये आप देखो किला, चित्र में देखो किला, देख रहे हैं ना, देखो कितना बड़ा है, बिल्कुल पीला पीला सोने जैसा चमक रहा है। तो इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां बनी हुई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मूर्ति प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। ये हवेलियों के नाम हैं।
इनके जरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। तो इनके जो जरोखों पर पत्थर पर कलाकारी की गई है, वो जिसके जिसकी कोई बराबरी नहीं हो, इसके जैसी जो कलाकारी है दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इनका सौंदर्य सुंदरता देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। हवेलियां देखने के बाद हम गड़ीसर गए। यह तालाब सदियों से यहाँ के वाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। तो वाशिंदे किसे कहते हैं? निवासियों को, जो वहां पर लोग रहते हैं। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। बच्चे थक गए थे तो हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुंचे। वहां रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। इसका अर्थ है कि वहां पर इतनी गहराई में रेत के समंदर हैं कि जो हमें जबरदस्ती अपनी ओर देखने के लिए खींच कर ले गए। हम सम के दोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। मखमली होता है मखमल जैसा मुलायम, तो रेत कैसी थी वहां की? बहुत ही मुलायम। तो उस रेत पर बच्चे खूब नाचे और गाए। वहां ऊंट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ऊंट। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। रात में कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। तो बच्चों ने ये खाना खाया, कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा खाया। अगले दिन बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोकरण की ओर हुआ। पार्क को देखने के बाद बस कहाँ गई? पोकरण की ओर गई। पोकरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। जब हमें वो सुखद यात्रा याद आती है ना कि हम जैसलमेर में क्या क्या देखा था हमने और किस प्रकार हम घूमे थे, मजे किए थे, तो जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा करते हैं। बच्चों ने वहां पर जो चित्र खींचे थे, चित्र खींचकर अपने साथ लाए थे यादगार के तौर पे, तो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। तो बच्चों ने आज किसकी सैर की? जैसलमेर नगरी की। तो अब ये वुड फैसिल पार्क क्या है? जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर अकल गांव में दर्जनों पेड़ हैं जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई, उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है, सुरक्षित रखा गया है कि इस पार्क से कोई भी लकड़ियों को काट कर ना ले जाए, तो जो ले जाएगा उसे सजा मिलेगी। तो इसलिए सरकार ने इस पार्क को सुरक्षित कर दिया है, अपने अंडर में ले लिया। तो बच्चों आज हमने कहाँ घूमा? जैसलमेर नगरी में। तो अगली वीडियो में हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू।